क्या आपको पता है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर को लीव करता हुआ एक रॉकेट स्पेस में से कैसा दिखाई देता है? तो इस वीडियो में आप ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स जानोगे जिसे देखकर आप हैरान रह जाओगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 25, क्या आपको पता है कि 1952 में जब पहला हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट किया गया था पैसिफिक ओशन में, तब उस बॉम्ब के जो रिमेन्स थे उसमें एक अननोन एलिमेंट पाया गया था जिसका नाम बाद में आइंस्टीनियम रख दिया था अल्बर्ट आइंस्टाइन के ऑनर में। मतलब है ना अमेजिंग, उस बॉम्ब की वजह से एक नया एलिमेंट डिस्कवर हो गया था उस जगह पर। फैक्ट नंबर 24, एक कैट ह्यूमन से काफी छोटी होती है, लेकिन एक कैट के पास 230 बोन्स होती है, बल्कि ह्यूमन में सिर्फ 206 बोन्स ही होती है, और यही रीजन है कि एक कैट इतनी फ्लेक्सिबल होती है और कैट के पास कोई कॉलर बोन नहीं होती, जिसकी वजह से वो बहुत छोटे छोटे होल्स के थ्रू भी पास कर सकती है, और जो भी होल उसके सिर जितना बड़ा है उसके थ्रू वो पास कर सकती है। फैक्ट नंबर 23, यूएई कंट्री हर साल कुछ $35 बिलियन कलेक्ट करती है फाइंस के तौर पर उन सिटीजन से जो ट्रैफिक रूल्स को तोड़ते हैं। मतलब है ना शॉकिंग, एक साल में $35 बिलियन फाइन के तौर पर लिया जाता है ट्रैफिक रूल तोड़ने के लिए, और इतने पैसे यूएई की जीडीपी का 9% है। फैक्ट नंबर 22, ये इमेज देखिए, क्या आप गेस कर सकते हैं कि यहाँ पर क्लाउड्स में ये जो चीज़ दिख रही है ये क्या है? तो शायद आपको ये यूएफओ की तरह दिख रहा होगा, लेकिन असली में ये लाइटनिंग है जिसकी रिफ्लेक्शन एक यूएफओ जैसी दिख रही है। फैक्ट नंबर 21, एक जगह पर एक आइस केव के नीचे एक वेल प्रिजर्व 12,000 ईयर पुराना लायन कब मिला है, और उस लायन कब का डीएनए भी प्रिजर्व्ड है, जिसकी वजह से साइंटिस्ट ये कोशिश कर रहे हैं कि वो उसके डीएनए को यूज करके एक एक्सटिंक्ट केव लायन की स्पीशीज को वापस रिवाइव कर पाए। है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 20, स्टडीज ने ये प्रूव किया है कि जो चॉकलेट आइसक्रीम है वो प्रूवन है इमोशनल और फिजिकल पेन को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करने के लिए। मतलब चॉकलेट आइसक्रीम सिर्फ इमोशनल नहीं बल्कि फिजिकल पेन को भी काफी रिड्यूस कर सकती है। फैक्ट नंबर 19, इस इमेज में आप बाल्कन लिंक्स नाम की एक कैट देख रहे हैं, और ये इस दुनिया की वन ऑफ द रेयरेस्ट कैट में से एक है। है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 18, 19th century में ग्रेट ब्रिटेन में सुसाइड कमिट करना एक क्राइम माना जाता था, और हैरान कर देने वाली बात यह है कि अगर कोई पर्सन सुसाइड करने के बाद पकड़ा जाता था तो उसकी जो सजा थी वो थी हैंग टू डेथ। मतलब है ना अजीब सी बात, सुसाइड करने की सजा ही डेथ थी। फैक्ट नंबर 17, यहाँ पर आप एक मर्सिडीज बेंज ट्रक को कैटरपिलर 797 जाइंट माइनिंग ट्रक कैरी करते हुए देख सकते हो, और उस माइनिंग ट्रक का जो वेट है वो 240 टन है। है ना शॉकिंग, इस मर्सिडीज बेंज के ट्रक ने एक 240 टन के माइनिंग ट्रक को उठाया हुआ है। फैक्ट नंबर 16, सुबह के समय में कई बार रेनबो दिखता है बारिश के बाद, वैसे ही आपको पता है कि रात को भी रेनबो दिख सकता है, और उन्हें रेनबो नहीं बल्कि मून बोज कहा जाता है। फैक्ट नंबर 15, नेपच्यून पर एक बार एक ग्रेट डार्क स्पॉट देखा गया था जो अर्थ के साइज का था, और बाद में पता चला कि वो नेपच्यून पर एक टॉर्नेडो जैसी चीज है, और उस टाइम पर उसकी जो विंड स्पीड थी वो 2400 किलोमीटर पर आवर थी, और ये आज तक की फास्टेस्ट एवर मेजर्ड विंड स्पीड है पूरे सोलर सिस्टम में। है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 14, 1764 और 1767 के बीच में फ्रांस के एक विलेज में एक बहुत ही मिस्टीरियस जानवर देखा गया था जिसने कुछ 100 लोगों को मार दिया था, और ऐसा जानवर पहले कभी भी नहीं देखा गया था, और वहाँ पर रहने वाले लोगों का अलग अलग मानना था कि वो कौन सा जानवर था, और कुछ समय बाद वो खुद ही गायब हो गया था, और अभी एक मिस्ट्री ही है कि वो कौन सा जानवर था, क्योंकि अब हमारे पास कोई भी जेनेटिक एविडेंस नहीं बचा उस जानवर का। फैक्ट नंबर 13, इस इमेज में आप एक इन्फेक्टेड रेड ब्लड सेल देख सकते हैं। मतलब ह्यूमंस में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ये इमेज वैसे ही किसी डिजीज इन्फेक्टेड रेड ब्लड सेल की इमेज दिखाता है जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे ली गई थी। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में कौन सी बर्ड सबसे बड़ा नेस्ट बनाती है? तो साउथ अफ्रीका में एक वीवर बर्ड है, और यहाँ पर आप उसका एक नेस्ट देख सकते हैं, और ये इस दुनिया में सबसे बड़ा नेस्ट बनाती है, और ये जो नेस्ट होता है ये एक पूरी बर्ड कॉलोनी के लिए होता है। मतलब कई सारी बर्ड्स मिलकर इस नेस्ट को बनाती है। फैक्ट नंबर 11, एक इंसान था जिसने 17 साल लगाए थे अपने बेसमेंट में एक लैम्बोर्गिनी बिल्ड करने के लिए। मतलब इस इंसान ने 17 साल लिए थे, और उन 17 सालों में इस इंसान ने स्क्रैच से खुद से एक लैम्बोर्गिनी बिल्ड कर दी थी। है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 10,
क्या आपको पता है कि जो प्रिंजल चिप्स होते हैं उनकी जो शेप होती है वो हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड फार्मूला से इंस्पिरेशन लेकर बनाई गई है। और इस शेप के चिप्स की खास बात ये है कि ये इजीली पैक किए जा सकते हैं और इस डिज़ाइन से चिप्स टूटते भी नहीं हैं। पैक नंबर 9, यहाँ पर आप ये जो इंसान देख रहे हैं, इस इंसान ने क्रिसमस पर अपने क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करने के लिए कुछ 13 मिलियन US डॉलर खर्च किए थे। मतलब सिर्फ अपने क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करने के लिए इस इंसान ने 13 मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा पैसे खर्च किए थे, है ना शॉकिंग। फैक्ट नंबर 8, इस इमेज में आप स्ट्रॉबेरी की लाइफ साइकिल देख सकते हैं, मतलब किस तरह से स्ट्रॉबेरी डिफरेंट फेजेस में ग्रो करती है। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि जो मरियाना ड्रग होता है उसके यूज से कोई भी डेथ कॉज नहीं होती, लेकिन तब भी उसे इलीगल डिक्लेयर किया हुआ है। लेकिन अगर हम सिगरेट की बात करें तो सिगरेट्स हर साल 8 मिलियन लोगों को मारता है, मतलब कुछ 80 लाख लोग सिगरेट की वजह से मर जाते हैं, लेकिन तब भी वो पूरी तरह से लीगल है बहुत सारी कंट्रीज में। फैक्ट नंबर 6, ये इमेज देखिए, इस इमेज में आप एक स्पेस शटल देख सकते हैं जो अर्थ के एटमोसफेयर को लीव करता हुआ जा रहा है ना अमेजिंग इमेज। ये इमेज स्पेस से ली गई थी और ये नासा ने ली थी। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि स्नेल्स 3 साल तक कंटिन्यूसली सो सकते हैं, मतलब जो स्नेल्स होते हैं उनका जो हाइबरनेशन पीरियड होता है वो 3 साल का होता है। मतलब जब कभी भी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होते हैं तो स्नेल्स हाइबरनेशन में चले जाते हैं और ये हाइबरनेशन पीरियड 3 साल तक लंबा हो सकता है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपने कभी अलेक्जेंडराइट के बारे में सुना है? तो ये इस दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट रेयरेस्ट क्रिस्टल में से एक है और इसकी इमेज आप अपने सामने देख सकते हैं। इस क्रिस्टल को अलेक्जेंडराइट बोलते हैं। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि कुछ कुछ साइकोलॉजिकल थेरेपीज के लिए एनिमल असिस्टेड थेरेपी का इस्तेमाल भी किया जाता है, जिसको पेट थेरेपी भी कहा जाता है, जिसमें एनिमल्स का यूज किया जाता है पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। मतलब रिपोर्ट्स ने ये फाइंड किया है कि एनिमल से एंग्जाइटी और स्ट्रेस रिड्यूस होता है और साथ में पेशेंट्स में फिजिकल इफेक्ट भी देखने को मिलता है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेट पर आना और बाकी हार्ट रिलेटेड चीज़ों का इम्प्रूव होना। और इसी रीजन की वजह से कई थेरेपीज में एनिमल्स का भी यूज़ किया जाता है। फैक्ट नंबर 2, इस इमेज में आप एक कंपैरिजन देख सकते हैं एक ह्यूमन और एक सिकोया ट्री के बीच में, है ना शॉकिंग। ये ट्रीज ह्यूमन से कितने बड़े होते हैं। फैक्ट नंबर 1, अलास्का में एक टाउन है जिसका नाम बैरो है और यहाँ पर सनसेट नवंबर 18 को होता है और उसके बाद सनराइज सीधा जनवरी 23 को ही होता है। मतलब इस जगह पर 67 डेज के लिए पूरी डार्कनेस रहती है ना शॉकिंग। तो गाइस, यही थे आज के सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को देखना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।